3, we come to lesson 13 of environmental studies about chirping birds. Chirping means चहचहाती हुई चिड़ियाँ. हम चिड़ियों के बारे में जानेंगे. Hi Pankaj, every evening I see many birds chirping among the trees. I enjoy seeing them play with each other, but I wanted to know about them, so I got a book on birds from the library and learnt many things about them. तो पंकज उसका दोस्त उसको बोल रही है कि मैंने पेड़ों पे बहुत चिड़ियाँ चहचहाती देखी हैं, मुझे उनको देखना और एक दूसरे से खेलना उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो और भी जानकारी चाहिए, इसलिए मैंने बर्ड्स के ऊपर एक बुक ले ली है लाइब्रेरी से और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करी है. तो वो उससे पूछ रहा था, हाय तानिया, व्हाई डिड यू गेट अ बुक ऑन बर्ड्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तुमने लाइब्रेरी से बर्ड्स के ऊपर बुक्स क्यों ली. तो वो बता रही है उसको, उसका जवाब दे रही है. लेट्स लर्न अबाउट बर्ड्स. देखिए बर्ड्स की जो स्टडी होती है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट करते हैं. ORNITHOLOGIST हमारे यहाँ के एक बहुत फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर सलीम अली. तो वो बर्ड्स को बहुत लव करते थे और उनको स्टडी करते थे. नथिंग कैन बी मोर प्लेजेंट देन वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग to the sounds of the sweet chirping birds, isn't it? सुबह सुबह आप उठें, आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आए, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है, आपके कानों में जैसे रस घुल जाता है, इतनी प्यारी होती हैं चिड़ियाँ. Almost everywhere we look, we can see birds. जहाँ भी देखेंगे आपको चिड़िया दिखाई देगी. In the sky, on the ground, or on the वाटर, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो या ज़मीन हो, आपको हर जगह चिड़ियाँ नज़र आएंगी. पानी में कौन सी होती हैं? स्वान्स, हंस होते हैं, डक्स होती हैं, बहुत तरह की चिड़िया होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं, रहती हैं. देर आर बर्ड्स ऑल अराउंड अस, चारों तरफ चिड़ियाँ हैं. बिग बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स और प्लेन बर्ड्स, कई तरह की हैं, छोटी बड़ी, रंग बिरंगी या फिर सादी. दे आर so charming and beautiful to look at, कितनी प्यारी और सुंदर लगती हैं. so let's learn about them. देखिए ये इनके हिस्से हैं शरीर के जो आपको नेम करने हैं. सबसे पहले जो इनके सर का ऊपर का हिस्सा क्राउन कहलाता है, चोंच इसकी बीक होती है. देन गर्दन, थ्रोट, जो उनका सामने की चेस्ट है वो ब्रेस्ट है. फिर पेट जो है वो बेली है. नीचे की तरफ फुट, पैर होते हैं उनके. और जो लेग्स होती हैं वो टार्सस कहलाती हैं, TARSUS, टार्सस. ओके, ये लेग्स होती हैं इनकी. उसके बाद पीछे का जो हिस्सा जहाँ पर होते हैं वो कहलाता है रम्प, RUMP. जो पूंछ है, टेल है. और जो ऊपर की तरफ के जो हिस्से हैं वो विंग बार्स कहलाते हैं. फिर पीछे का हिस्सा गर्दन के नीचे बैक या मेंटल कहलाता है, MANTLE. गर्दन के ऊपर जो बीच का हिस्सा है वो नेप कहलाता है. और जो आँख के ऊपर का हिस्सा होता है वो आईब्रो कहलाता है. तो ये पार्ट्स हैं. आप इसको ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में और इनको कलर करेंगे और इसके पार्ट्स को आप लेबल करेंगे. सिर्फ चिड़िया बनाने को नहीं कहा जा रहा है, उसके आपको पार्ट्स को लेबल भी करना है, तभी मार्क्स मिलते हैं. और बर्ड्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनली फोर पार्ट्स, चार हिस्से हैं इसके, हेड, बॉडी, टेल और फीट, सर, शरीर, पूंछ और पैर. अब आपको क्या करना है, लेबल द मार्क बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड. सो ये क्या थी, बीक थी, फिर ये विंग बार था, ये टेल है और ये फुट है. नाउ वी कम टू बीक ऑफ बर्ड्स. चोंच किस तरह की होती हैं, अलग अलग चिड़ियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है या बीक्स होती हैं, BEAK, जो उनकी डिपेंड करती है खाने पर, किस तरह का खाना वो खाती हैं. तो बर्ड्स डोंट हैव फिंगर्स एंड दे डोंट हैव टीथ, ना तो उनके उंगलियां हैं ना दांत हैं. हाउ डू दे पिक अप द थिंग्स, कैसे चीज़ों को उठाती हैं. हाउ डू दे ईट, खाती कैसे हैं. दे यूज़ देयर बीक्स, वो उसके लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करती हैं. जैसे हमारी उंगलियां हैं, दांत हैं, इनमें नहीं होती, तो वो चोंच ही से सब करती हैं. बीक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ये अलग अलग आकार और अलग अलग साइज़ की होती हैं.
यूजली द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन बर्ड्स ईटिंग हैबिट्स, ये उसकी खाने की आदतों पे डिपेंड करती है कि उसकी बीक का शेप यानी आकार कैसा होगा। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत और काफ़ी दृढ़ होती हैं, ये टफ होती हैं। दे कैन डिग होल्स, वो ज़मीन के अंदर या पेड़ में होल्स कर सकती हैं, छेद कर सकती हैं। क्रैक नट्स, ये जितने भी हमारे मेवे होते हैं जैसे अखरोट, बादाम और इस तरह के नट्स हैं, ये नट्स कहलाते हैं, उनको ये क्रैक कर लेते हैं। और मीट को भी खा लेते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो मीट को कट कर लेते हैं अपनी बीक से। अब कौन कौन से ये बर्ड्स हैं ये अभी आपको बताएंगे। दे यूज़ देयर बीक्स टू क्रैक ओपन द शेल ऑफ द एग और व्हेन दे आर हैचिंग, जब उनके अंडे जो है वो टूटने लगते हैं जिसमें से बच्चे निकलते हैं, तो अपने बीक से अपनी चोंच से ये उनकी जो शेल होती है, उनकी जो जो ऊपर कवरिंग होती है एग्स की, उसको तोड़ देते हैं जिससे बच्चे आसानी से बाहर आ जाए। दे यूज़ देयर बीक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट्स, अपने घोंसले बनाने के काम में अपनी बीक्स को लाते हैं। टू क्लीन देयर फैदर्स, अपने पंखों को साफ करने के काम में लाते हैं बीक्स से। एंड टू कैरी फूड ऑल्सो, और खाना भी एक से दूसरी जगह, जैसे उनके बच्चे छोटे हैं तो चोंच में खाना लेके बच्चों को ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं। और ये जो अपने चोंच से अपने पंख साफ करते हैं उसको प्रूनिंग कहते हैं, PRUNING, तो इससे ये अपने पर साफ करते हैं और उसके नीचे जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं जिससे इनके पंख चिकने बने रहें। अब देखिए ये क्या है, वुड पैकर, कठफोड़वा, इसकी हार्ड बीक जो होती है ये होल्स को ड्रिल कर देती है, जैसे ड्रिल करते हैं ना मशीन से हम छेद कर देते हैं दीवारों में, ऐसे ही ये जो वुड पैकर है ये पेड़ों की छाल में होल कर देता है। बर्ड्स विद शॉर्ट थिन बीक्स यूजली ईट इंसेक्ट्स, जिनकी छोटी और पतली बीक्स होती हैं वो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाती हैं। और पैरेट है जैसे, ये अथिक शॉर्ट, और ये जैसे ये स्पैरो इस टाइप की होती है। और एक और अभी आप पढ़ेंगे उसके बारे में, एंड दैट इज़ शेफ फिंच, वो भी इसी टाइप की है। और ये पैरेट जो होती है होता है इसकी थिक शॉर्ट या कॉनिकल बीक, नुकीली सी मुड़ी हुई इसकी चोंच होती है, बहुत मोटी और छोटी सी होती है, इससे ये सीड्स को क्रैक करके खाता है। ये कच्ची अमियाँ भी खा लेता है, जो रॉ मैंगोज़ होते हैं, और ये मिर्च भी खाता है और बहुत तरह के नट्स खा लेता है। फ्लैट बीक इज़ फॉर ईटिंग वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब जैसे ये डक है तो इसकी आप बीक देख रहे हैं फ्लैट है, चपटी है, और ये क्या करते हैं इससे पानी के पौधे खाते हैं और पानी के जानवर भी खा लेते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह। अब पेलिकन्स पाउच इज़ यूज टू स्कूप फिश, कभी आप पेलिकन देखिएगा, पेलिकन का मैं फ़ोटो भेजूंगी आपको, तो उसकी जो बीक होती है उसके नीचे एक पाउच सा बना होता है जिसमें मछलियाँ इकट्ठा करता रहता है और फिर वो खा लेता है। डक्स ऑल्सो हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ बीक, तो जितनी डक्स हैं उनके भी यही इसी किस्म की चोंचें होती हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, डू बर्ड्स फ्लाई सिंपली बिकॉज दे हैव विंग्स एंड फेदर्स, क्या उनके पंख हैं और जो उनके पर हैं उस वजह से ये उड़ पाती हैं। एक्चुअली देयर यूनिक बोनी स्ट्रक्चर, स्ट्रीम लाइन शेप, फेदर्स एंड विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, तो उनका जो यूनिक बोनी स्ट्रक्चर है, इनकी बोन्स जो होती हैं हड्डियाँ वो खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, जिससे ये हवा में उड़ पाती हैं। और स्ट्रीम लाइन शेप, स्ट्रीम लाइन आप देखिए पक्षियों के का आकार या मछलियों का आकार है या एरोप्लेन भी इन्हीं के शेप में बनाए गए हैं, दोनों तरफ से नुकीले और बीच में चौड़े, और एजेस जो हैं शार्प होती हैं जिससे कि ये हवा को काट सकें, जैसे हमारे आँख का आकार होता है या एक स्पिंडल होती है ना तकली, उसके जैसा इनकी बॉडी होती है, इसको हम स्ट्रीम लाइंड बोलते हैं। और इनके पास फैदर्स होते हैं, पंख इनको हल्कापन देते हैं, और इसके अलावा पर इनको उड़ने में मदद करते हैं विंग्स। बर्ड्स हैव हॉलो लाइट वेट बोन्स, उनकी खोखली और बहुत हल्की हड्डियाँ होती हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, और जो उनके सीने की जो मसल्स यानी मांसपेशियाँ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। टू पुल देयर विंग्स अप एंड डाउन, जिससे ये
फ्लैप कर सके अपने पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ा सके। फैदर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर फ्लाइट। इसके अलावा जो उनके पंख होते हैं, ये पर होते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं उनको उड़ने में। दे ऑल्सो कीप देयर बॉडी वार्म। इसके अलावा ये कंबल का भी काम करते हैं, इंसुलेशन का, इससे इनको ठंड ना लगे और इनकी बॉडी वार्म रहे। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्लाइटलेस हो बर्ड्स हैं, जो उड़ती नहीं हैं लेकिन बर्ड्स हैं वो। बर्ड लोकोमोशन इज़ क्वाइट वेरिड। बहुत तरह के चलना फिरना इनका होता है। लोकोमोशन मीन्स टू मूव अराउंड, वेरिड मीन्स डिफरेंट काइंड्स। दो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट देर आर फ्यू बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई लाइक कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एट्सेट्रा। तो बहुत सारी बर्ड्स जो होती हैं उड़ सकती हैं, कुछ नहीं उड़ पाती हैं, जैसे ये कीवी देखिए, ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, और ये पेंगुइन्स हैं जो कि एंटार्कटिका जो साउथ पोल है वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा जो हैंस कॉक्स होते हैं ये भी ज़्यादा नहीं उड़ पाते, थोड़ा बहुत उड़ पाते हैं, ज़्यादा नहीं। सो दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स बट दे हैव अदर क्वालिटीज। दे कैन रन वेरी वेल, सम स्विम एंड सम विथ कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज। कुछ जो है भाग बहुत तेज़ लेते हैं, कुछ तैर लेते हैं, कुछ दोनों ही काम कर लेते हैं। तो जैसे पेंगुइन जो है पानी में बहुत अच्छा तैरते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं, उड़ तो नहीं पाते। और ऑस्ट्रिच जो है फास्टेस्ट बर्ड है। इफ समवन आस्क्स यू हु इज़ द फास्टेस्ट बर्ड, यू विल आंसर ऑस्ट्रिच। और इसका एग भी सबसे बड़ी सेल कहा जाता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, आप पढ़ेंगे उसके बारे में। सो द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड इज़ द ऑस्ट्रिच बट इट कैन नॉट फ्लाई। द ऑस्ट्रिच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट टू लेग्ड रनर ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ। तो दो पैरों पर भागने वाला सबसे तेज़ जो है पक्षी वो है ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम इनकी फूड हैबिट्स पे। बर्ड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम लुकिंग फॉर फूड। चिड़ियाँ ज़्यादातर खाना ढूंढने में अपना समय व्यतीत करती हैं। बर्ड्स मोस्टली ईट बग्स, वर्म्स, स्मॉल मैमल्स, फिश, फ्रूट, ग्रीन और नेक्टर। ये छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर मैमल्स जैसे फिश वगैरह, या चूहे हैं, या ये बग है, देखिए ये रैट है, फिश है, ये फ्रूट्स खाती हैं, और ग्रेन्स और नेक्टर होता है जो फलों का रस होता है उसको भी ये खाती हैं। ये वर्म है, कीड़ा, ये बग है जिसको जो गोल सा होता है। तो चिड़ियाँ ये सब खाती हैं। कुछ तो होती हैं कार्निवोर्स, CARNIVORES, या पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मीट ईटर्स हैं। चिड़ियों में भी कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स होते हैं। तो कार्निवोर्स वो हैं जो सिर्फ जो मीट खाती हैं, हर्बीवोर्स जो सिर्फ सीड्स, ग्रास, वॉलनट्स वगैरह खाएं, और कुछ होती हैं ओमनीवोर, दोनों खाते हैं। तो ऐसी कौन कौन है ऐसी जो क्या क्या खाती हैं। कार्निवोर्स में आते हैं, दे ईट अदर एनिमल्स, दे ईट माइस, श्रूज एंड स्पैरोज, फॉर एग्जाम्पल आउल्स एंड ईगल्स। ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे चूहे, या जो बड़े वाले चूहे होते हैं ना, चुचुंदर जिनको कहते हैं, श्रूज, ये भी छोटे छोटे मछलियाँ हैं, स्पैरोज हैं। और ये कौन लोग हैं जो ऐसे खाते हैं, आउल्स और ईगल्स, जो उल्लू और ईगल्स माने चील जो होती हैं वो खाती हैं। ये आउल है और ये देखिए ईगल है, इनको आप पहचानिए। हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट ईटर्स हैं, दे ईट लीव्स, ग्रास, सीड्स, वॉलनट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल शेफिंच, हमिंग बर्ड, ग्राउज एंड कैनेडा गूज। ये देखिए शेफिंच है, ये हमिंग बर्ड है, इसकी लंबी सी चोंच है, ये फलों का रस पीती है, छोटी सी होती है, बहुत फास्ट उड़ती है, एक मिनट में बहुत ज़्यादा बार अपने पंख फड़फड़ाती है, हवा में रह के फलों का रस चूस लेती है। तो ये कई तरह की बर्ड्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं। ये ग्राउस और कैनेडा गूस को भी आप देखिएगा कैसी होती है, आई विल सेंड यू द फोटोग्राफ। देन वी कम टू ओमनीवोर्स, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट और मीट ईटर्स। दे ईट एवरीथिंग लाइक इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, स्नेक्स एक्सेट्रा, एंड फॉर एग्जाम्पल टाउकैन, स्टारलिंग्स। ये स्टारलिंग बर्ड है और ये टाउकैन है।
तो इसकी देखिए कितना बड़ी सी चोंच है टॉकैन की। तो ये सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, कीड़े मकोड़े, फ्रूट, स्नेक्स, सांप वगैरह भी खा लेते हैं। अब चौथे टाइप के हैं स्कैवेंजर्स, SCAVENGERS, और दे ईट डेड मीट। यानी कि ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दे फीड ऑन डेड बॉडीज लाइक वल्चर्स, रैवन्स, क्रोज एंड सम गल्स। तो ये वल्चर है, ये क्रो है, ये सब क्या खाते हैं? रेवन भी एक तरह का क्रो होता है, ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक। हमारे इंडियन क्रो जो है थोड़ा ग्रेइश भी होता है। तो ये सब जो हैं क्या खाते हैं? मरे हुए जानवरों को। वल्चर, वल्चर होता है गिद्ध। जो बाल्ड वल्चर्स हैं वो अमेरिका के का नेशनल बर्ड है। हमारे यहाँ का नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक, द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। इट इज़ अ डिवाइन बर्ड, सो ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। सो बर्ड्स रोल इन द बैलेंस ऑफ नेचर, हमारे प्रकृति के संतुलन में इनका क्या रोल है? बर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द नेचुरल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स एंड इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो इनका काम क्या आता है? एक तो ये कीड़े मकोड़ों की जो संख्या है उसको कंट्रोल में रखते हैं, और इसके अलावा ये बीजों को बिखेरने में भी मदद करते हैं। सम बर्ड्स लाइक द टाइनी नेक्टर ईटिंग हमिंग बर्ड आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये नेक्टर ईटिंग मतलब फूलों का रस पीने वाली जो हमिंग बर्ड होती है, छोटी सी है ये, तो ये क्या करती है? पॉलिनेटर है, मतलब पॉलिनेशन करती है। अब ये पॉलिनेशन क्या है कि जो फ्लावर होता है उसका जो जो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिराने होते हैं, तो उससे सीड बनता है, उससे फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड। तो ये काम करने के लिए ये हमिंग बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सम ईट इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड स्मॉल एनिमल्स विच इन अ वे हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो वेल। कुछ जो हैं जो हमारे हानिकारक कीड़े मकोड़े हमारे फसलों को ख़राब करते हैं, और कुछ ऐसे छोटे जानवर जैसे रैट्स वगैरह, तो उनको जैसे आउल्स खा जाते हैं या दूसरे बर्ड्स खाती हैं, तो वह हमारी क्रॉप्स को भी बचाती हैं। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर बेस्ट फॉर स्कैटरिंग सीड्स फॉर द प्लांट्स। फल खाने वाली चिड़िया जो होती हैं वो प्लांट्स के जो बीज हैं उनको बिखेरना, स्कैटरिंग मीन्स बिखेरने के काम में आती हैं। बर्ड्स ऑल्सो एक्ट एज सीड डिस्पर्सर्स, स्कैवेंजर्स एंड फूड फॉर प्रीडेटर्स। तो ये क्या करती हैं? ये एक तो बीजों को फैलाती हैं, स्कैवेंजर्स हैं यानी मरे हुए जानवरों वगैरह को खा जाते हैं ये, जैसे गिद्ध, और इसके अलावा जो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका ये खाना बन जाते हैं, इनको भी खाया जाता है। तो सम बर्ड्स फ्लाई बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ, व्हाट इज़ माइग्रेशन नाउ? MIGRATION को माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब साइबेरिया वगैरह जहाँ पे सर्दियों में बहुत बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ चिड़ियों का भी रहना मुश्किल हो जाता है। मीलों दूर, कई किलोमीटर दूर उड़ के वो ऐसे एरियाज़ में आ जाती हैं जैसे हमारे साउथ में या राजस्थान में जो बर्ड सेंचुरीज हैं, उड़ के वहाँ आ जाती हैं जहाँ पर वेदर जो है इतना ठंडा नहीं होता। तो यहाँ पर ये ब्रीड करती हैं, एग्स देते हैं, फिर जब इनके बच्चे हैच हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये वापस उड़ के वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए थे। तो ये जो आना जाना है वर्ल्ड में चिड़ियों का हर साल, इसको माइग्रेशन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। देर आर थ्री मेन रीजन्स फॉर बर्ड्स टू माइग्रेट। तीन कारण हैं इनके माइग्रेट करने के। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, इन ऑर्डर टू ब्रीड, एग्स देना और बच्चे पैदा करना, और टू अवॉइड वेदर कंडीशंस विच आर नॉट फेवरेबल, या फिर ऐसी परिस्थितियाँ जो उनके अनुकूल ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड को अवॉइड करने के काम के लिए भी ये माइग्रेट करती हैं। तो इसका आप जो है एक्सरसाइजेस करेंगे। व्हाट इज़ माइग्रेशन एंड व्हाई डू द बर्ड्स माइग्रेट? बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड टू अदर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। And why do the birds migrate? They migrate for three reasons. That is,
search of food, to breed and to avoid unfavorable weather conditions. Mention any three features that help a bird to fly. Unique body structure, streamlined shape, feathers and wings, and hollow bones. Give two examples of each. Flightless birds, penguins, ostriches, carnivores, owls and eagles, scavengers, vultures and crows. Mention the four main body parts of the bird. Beak, foot, wing bars and tail. T-A-I-L. Or you can write these four body parts which you had marked earlier, which were beak, foot, wing bar and tail. These are the four I have written. Complete the following table. What kind of food do you think it eats? This is a vulture, meat and other animals. This is insects and small grains. This is a small bird. Unscramble the letters and write the names of birds shown below. This is toucan, parrot, owl, eagle, duck and flamingo. This is flamingo. They are also very lovely birds, colorful, and so many of them can be seen on the seashores. This is activity time. You make a bird by joining the numbers. So this finishes this lesson of yours. Please do it in your copy and book as well.